नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीहोर बजाज फाइनेंस ऑफिस में कल अचानक पिता और पुत्र ने फाइनेंस में हो रही देरी से नाराज होकर ऑफिस में हंगामा मचाया और बजाज फाइनेंस के कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। हंगामे के दौरान एक आरोपी ने चाकू निकाल लिया और कर्मचारियों को डराने लगे। मारपीट के दौरान कर्मचारी अशोक विश्वकर्मा घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अशोक की उपचार के दौरान मौत हो गई। इधर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पिता पुत्र जो कि ग्राम महोड़िया के निवासी थे को गिरफ्तार कर लिया है व विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। तो प्राइवेट फाइनेंस बजाज के तहत एक मामला हुआ जिसमें मारपीट का मामला। सर क्या मामला है? आज बजाज फाइनेंस कंपनी में फाइनेंस को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जो बजाज फाइनेंस कंपनी में मैनेजर भी था, नाम अशोक विश्वकर्मा है। मैनेजर कंपनी के कर्मचारियों की तरफ से रिपोर्ट लिखी गई है, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीहोर से खबर समय जगत के लिए सतीश सैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.